नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अप्रैल दिन शनिवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म, इतने प्रतिशत पड़े वोट। बिहार इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा का एडमिट कार्ड करे डाउनलोड। सीतामढ़ी में माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का होगा निर्माण। के पाठक ने अफसरों को दिया नया आदेश। प्रदेश के जिलों में लू को लेकर मौसम विभाग ने दी चेतावनी। कंटेंट की चोरी करने पर लग सकता है लाखों का जुर्माना, जानिए क्या कहता है कानून। आईपीएल 2024 में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NPCIL ने 400 पदों पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पदों पर निकाली भर्ती। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के 400 पदों पर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL द्वारा भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट NPCIL careers.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों के पास गेट 2022, 2023 और 2024 का स्कोर कार्ड हो। साथ ही अभ्यर्थी ने संबंधित ट्रेड में बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग या एमटेक किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसका अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म, इतने प्रतिशत पर वोट। बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। बीते दिन 4 सीटों पर मतदान हुआ। गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसमें लोगों ने 38 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया है। वहीं मतदान केंद्रों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चुनाव आयोग द्वारा कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की गई है। मतदान खत्म होने तक पूरे राज्य में 48.23% मतदान हुए हैं। इसमें सबसे अधिक मतदान गया जिले में देखने को मिली है। वहां वोटिंग प्रतिशत 52% रही है। वहीं सबसे कम 41% के साथ नवादा में वोटिंग प्रतिशत देखने को मिली है। औरंगाबाद में 50% वोटिंग हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम के 4 बजे ही मतदान खत्म हो गए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि प्रथम चरण की पोलिंग समाप्त हो चुकी है। 7,903 मतदान केंद्रों पर मतदान हुए हैं। इसमें 7 मतदान केंद्र ऐसे रहे जहां वोटिंग का बहिष्कार किया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रतन राजपूत के बारे में। ये एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और ब्लॉगर हैं। इनका जन्म आज के ही दिन यानी 20 अप्रैल वर्ष 1987 को बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि GTV के शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली से पाई थी। ये टीवी शो महाभारत में अंबा और संतोषी माँ में संतोषी की भूमिका भी निभा चुकी हैं। इसके अलावा राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी में रुचि शर्मा, रत्न का रास्ता में स्वयं जैसे शो में ही भाग ले चुकी हैं। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए जी रस्ते अवार्ड्स, इंडियन टेली अवार्ड्स, भारतीय टेलीविजन अकेडमी पुरस्कार जैसे कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा का एडमिट कार्ड करे डाउनलोड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र और छात्राओं के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://seniorsecondary.biharboardonline.com पर विजिट करके एडमिट कार्ड को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। 11 मई एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की आखिरी तारीख है। 11 मई तक प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। परीक्षार्थी शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रधान का मुहरयुक्त हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के 7 जिलों में 10 शहरी PHC का होगा निर्माण। बिहार के 7 जिलों में 10 शहरी PHC का निर्माण किया जाएगा। राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए पहल किया जा रहा है। 10 शहरी स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 11.69 करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई है। लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही इसकी प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसके बाद अब पटना सहित अन्य शहरों में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटना में 50 सेंटर बनाया जाएगा।
सीतामढ़ी में माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का होगा निर्माण। बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा में भव्य मां सीता की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। 251 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। साल 2018 से इसकी तैयारी की जा रही है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन को भी उपलब्ध करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद मंदिर के निर्माण कार्य के स्थान, कार्य के चरण और प्रारूप की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार के द्वारा भी इस विषय में कुछ कार्य किए जा सकते हैं। के पाठक ने अफसरों को दिया नया आदेश। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अफसरों को नया आदेश दिया है। उन्होंने किताबों की गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस जांच की प्रक्रिया को सप्ताह भर में पूरी कर लेनी है। इसके लिए हर जिले में अफसरों की जांच कमेटी का गठन किया गया है। जाँच की रिपोर्ट के आधार पर विभाग की ओर से जवाबदेह एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होने वाली किताबों में कुछ गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद के पाठक के द्वारा ये फैसला लिया गया है। पटना समेत राज्य के 12 जिले AES से प्रभावित। गर्मी के आते ही इंसेफ्लाइसिस और AES का प्रकोप शुरू हो गया है। कई बच्चे से प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसे लेकर इलाज की व्यवस्था को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। PMCH, NMCH और IGIMS में इसको लेकर उचित व्यवस्था की गई है। बच्चों को तेज बुखार, बेहोशी या चमकी होने पर तुरंत अस्पताल में जाकर इलाज करवाने की सलाह दी जाती है। ये तीनों ही AES के लक्षण होते हैं। डॉक्टरों के द्वारा कहा जाता है कि इस मौसम में साफ सफाई विशेष ध्यान देनी चाहिए। डायरिया आदि बीमारियों के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्राथमिक इलाज के लिए आदेश दिए गए। चुनाव के दौरान बालू घाटों को लेकर दिए गए आदेश। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में बालू घाटों पर चौकसी बढ़ाने का आदेश दिया गया है। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से सभी जिलों के जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बात की आशंका रहती है कि चुनावी कार्य में पुलिस की मुस्तैदी अन्य स्थानों पर रहती है। इसमें प्रशासन का ध्यान चुनावी कार्य में अधिक होने की वजह से बालू माफियाओं के द्वारा अवैध खनन किया जा सकता है। इस कारण सभी बालू घाटों पर चौकसी का आदेश है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जुब्बा सहनी पार्क के बारे में। ये पार्क बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। इस पार्क में बना वाटर फाउंटेन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। पार्क में बच्चों के लिए झूलों के साथ कुछ आउटडोर जिम भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कई सुंदर और सजावटी फूल देखने को मिलेंगे। इस पार्क में एक मानव कृत्रिम पहाड़ भी है जिस पर चढ़कर पूरे पार्क के सुंदर नजारे का आनंद उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस पार्क का नाम अमर शहीद जुब्बा सहनी के नाम से रखा गया था। यदि आपको कभी यहाँ आने का मौका मिलता है तो इस पार्क में घूमने आ सकते हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए ORS और पीने के पानी का व्यवस्था रखने का आदेश। पटना के स्कूलों में बच्चों के लिए ORS और पीने के पानी की व्यवस्था रखने का आदेश जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक के द्वारा दिया गया है। स्कूली बच्चों के साथ ही परीक्षार्थियों के लिए पीने के पानी और ORS की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी। स्कूल प्रशासन की ओर से इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से रखने का आदेश दिया गया है। DM ने कहा है कि गर्म हवा, लू लगने, अधिक पसीना आना, तेज गति से सांस चलना, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों में दर्द जैसे सामान्य लक्षण पाए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ उपायों से बचना संभव है। वहीं इससे पहले DM ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। सभी निजी और सरकारी स्कूलों में आज से 30 अप्रैल के लिए 10वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह के 11:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक अगले आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिलेक्शन ट्रायल आज से होगा शुरू। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिलेक्शन ट्रायल आज से शुरू होगा। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बिहार के खिलाड़ियों का सिलेक्शन ट्रायल आज आयोजित किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा आयोजित इस सिलेक्शन ट्रायल के लिए UNIV ऐप को इंस्टॉल किया जा सकता है। साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। बालक और बालिका दोनों ही वर्ग में 3 खेलों के लिए ये सिलेक्शन होने वाला है। इसमें एथलेटिक्स, कुश्ती और भार तोलन शामिल है। 12 से लेकर 25 साल के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि चयनित छात्रों को रहने की सुविधा के साथ ही अन्य कई तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश के जिलों में लू को लेकर मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अप्रैल महीने में ही बिहार में लू जोर पकड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग द्वारा लोगों को गर्मी से बच के रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग द्वारा आज का मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। आज प्रदेश में दक्षिण और पश्चिम भाग के जिले में लू चलने की संभावना जताई गई है।
इसके साथ ही बेगूसराय, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, शेखपुरा, नवादा, औरंगाबाद, खगड़िया, रोहतास, गया, लखीसराय और जमुई जिले में एक या दो स्थानों पर लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पटना यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। पटना यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई छात्र और छात्राएं इसके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। पटना विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट https://pup.ac.in/ पर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। स्नातक में दाखिले के लिए अंतिम तारीख 20 मई है। वहीं दाखिले की पूरी प्रक्रिया 5 अगस्त तक समाप्त की जाएगी। पीजी और यूजी में पटना विश्वविद्यालय में इंटर के अंकों के आधार पर दाखिला लिया जा रहा है। कंटेंट की चोरी करने पर लग सकता है लाखों का जुर्माना। जानिए क्या कहता है कानून। दुनिया में चोरी कई तरीके की होती है। सामान और पैसे के अलावे कंटेंट की चोरी भी होती है। गीतकार के द्वारा लिखा गया गीत हो या फिर लेखक के द्वारा लिखी गई किताब हो, इसमें सोच का इस्तेमाल किया जाता है। ये लिखने वाले की प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल की इजाज़त लिखने वाले से लेनी जरूरी होती है। वहीं इसकी चोरी करने पर कॉपीराइट एक्ट 1957 के जरिए कार्रवाई की जाती है। कॉपीराइट की जानकारी वेबसाइट https://copyright.gov.in पर देनी होती है। इसका दोषी पाने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही लाखों से लेकर करोड़ों तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पीपीयू में आज से होगी स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ग की परीक्षा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ग की परीक्षा आज और 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय में परीक्षा की तैयारी करीब पूरी हो चुकी है। स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा में लगभग 90,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं पार्ट 2 की परीक्षा का हिस्सा करीब 1,00,000 परीक्षार्थी बनने वाले हैं। कुलपति प्रोफेसर आरके सिंह ने कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर आदेश दिया है। परीक्षा को लेकर कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के लिए 63 केंद्रों का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा की शुरुआत होने से पहले छात्रों को पूरी तरह की जानकारी देने का आदेश है। परीक्षा के लिए कॉलेज की राशि खर्च करने का निर्देश है। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी करेंगे जनसभा। बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा चुनावी जनसभा की जा रही है। राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार प्रसार तेज किया जा रहा है। मालूम हो कि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। सीमांचल की 3 सीटों पर इसके लिए मतदान होगा। किशनगंज संसदीय सीट पर इसी चरण में प्रत्याशियों के भाग का फैसला लिया जाएगा। इस सीट पर एनडीए महागठबंधन और एआईएमआईएम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। ये लगभग 5 दिनों का यहां कैंप करेंगे। बिहार में आज राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद। बिहार में आज राहुल गांधी चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। ये भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मालूम हो कि भागलपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार अजित शर्मा चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इनके लिए वोट अपील करने वाले हैं। आज दोपहर में 2:30 बजे राहुल गांधी भागलपुर पहुंचेंगे। यहां स्थित सैंडिस कंपाउंड में ये चुनावी सभा करेंगे। मालूम हो कि दूसरे चरण में कटिहार, किशनगंज और भागलपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनके लिए राहुल गांधी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह इनके साथ मंच साझा करेंगे। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने किया नामांकन। बेगूसराय लोकसभा सीट पर गिरिराज सिंह ने नामांकन किया है। यहां पर चौथे चरण में 19 मई को नामांकन होगा। इसके लिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल तय की गई है। भाजपा नेता ने नॉमिनेशन दाखिल करने के दौरान कहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाने के लिए 400 के पार लेकर जाना है। इसमें बेगूसराय और बिहार के 40 सीट शामिल है। नरेंद्र मोदी विकास की गारंटी है। विकास विरासत के साथ उनकी गारंटी है। नरेंद्र मोदी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोबाइल नहीं इस्तेमाल करने का बताया कारण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोबाइल नहीं इस्तेमाल करने का कारण बताया है। सीएम नीतीश कुमार ने बांका जिले में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान खुलासा किया है कि वो फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका कारण है कि साल 2019 में उन्हें फोन के जरिए पता चला कि 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद से उन्होंने फोन का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। इस दौरान सीएम नीतीश ने यह भी कहा है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का, हर क्षेत्र में उनके कार्यकाल में विकास हुआ है। सीएम ने कहा है कि आने वाले समय में बिहार का और विकास किया जाएगा।
आईपीएल 2024 में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 35वां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने का प्रयास करेंगी। फिलहाल हैदराबाद का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हैदराबाद ने 6 मैचों में 4 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दिल्ली ने 7 मैच खेले हैं, इस टीम को 3 मैचों में जीत मिली है, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद 8 अंकों के साथ 4थे नंबर पर है, वहीं दिल्ली 6 अंकों के साथ 6ठे पायदान पर है। दोनों टीमों के बीच ये मैच दिल्ली के होम ग्राउंड में होने वाला है। आपके अनुसार आज के मुकाबले में ऋषभ पंत दमदार प्रदर्शन करेंगे या नहीं, आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1997 में इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे। आज के ही दिन वर्ष 2006 में भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की थी। आज के ही दिन वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण यान PLSV ने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था। आज के दिन यानी 20 अप्रैल को वर्ष 1950 में एन चंद्रबाबू नायडू का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। चीन में व्हाट्सएप और थ्रेड्स के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। चीन में व्हाट्सएप और थ्रेड्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर एप्पल ने इन दोनों ऐप को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। इसमें एप्पल का कहना है कि इन्होंने ऐसा चीनी अथॉरिटी के आदेश के बाद किया है। चीन के द्वारा इन ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है और रिमूव कर दिया गया है। इस तरह से चीन में मेटा को बड़ा झटका लगा है। हालांकि मेटा के अन्य ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर आदि चीन में उपलब्ध है। इसके अलावा यूट्यूब और एक्स भी चीन में मौजूद है। आपको बता दें कि पहले भी चीन में कई ऐप को रिमूव करने की कार्रवाई की गई है। शेयर बाजार में लौटी तेजी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली है। क्लोज होने तक सेंसेक्स 73,000 वही निफ्टी 22,000 के करीब रहा है। बीते दिन बड़ी गिरावट के साथ बाजार खुले थे, लेकिन दिन के कारोबार बढ़ने के साथ ही बाजार में तेजी देखने को मिली है। बैंकिंग शेयरिंग में खरीदारी हुई है, इस कारण बाजार में तेजी लौट आई है। निफ्टी 151 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स में 600 अंकों का उछाल सामने आया है। बताया जाता है कि गिरने वाले शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली है। सीबीएसई शैक्षणिक संस्थानों में AI फेस्टिवल कर रहा आयोजन। सीबीएसई शैक्षणिक संस्थानों में AI फेस्टिवल का कर रहा आयोजन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों शिक्षकों के बीच AI फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। AI तत्परता समावेशी तरीके से इनोवेशन के साथ ही परेशानियों से निपटने के तरीके के ज्ञान को पढ़ाने के मकसद से AI फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए छात्र और शिक्षकों के द्वारा 10 मई 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। इम्पैक्ट क्रिएटर की श्रेणी को इसमें रखा गया है। इसमें छात्र और शिक्षक हिस्सा ले सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है MS धोनी, ऑप्शन बी है हार्दिक पांडे, ऑप्शन सी है संजना सांगी, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। इसका सही उत्तर है संजना सांगी। हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है आदित्य तिवारी को, ऑप्शन बी है नलिन नेगी को, ऑप्शन सी है मेघना अहलावत को, ऑप्शन डी है कमल किशोर को। इसका सही उत्तर है नलिन नेगी को। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सोन नदी, ऑप्शन बी है फल्गु नदी, ऑप्शन सी है गंडक नदी, ऑप्शन डी है कोसी नदी। इसका सही उत्तर है फल्गु नदी। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गया, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही उत्तर है राजगीर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है
कृष्णा प्रसाद, उदय कुमार पासवान, राजेश मांझी, संजीव कुमार, अतीक खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, पंकज कुमार दास, नवल किशोर झा, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के कौन से अभिनेता आपको सबसे अधिक पसंद है? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।